राशि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका डाली गई है, जिसमें पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई के लिए जवाब तलब किया गया है। मामला ये है कि लंबे समय से ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसमें धार्मिक स्थानों में सुबह बजने वाले लाउडस्पीकर भी शामिल हैं, जिनके कारण लोगों को सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बीमार और बुजुर्ग लोगों को। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है विद्यार्थियों को, जो परीक्षा के समय सुबह पढ़ने के लिए उठते हैं, लेकिन लाउडस्पीकर की तेज आवाज की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। आपको बता दें कि यह याचिका हाईकोर्ट में सियोली संस्थान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि धार्मिक स्थान साइलेंट जोन के अंतर्गत आते हैं और वहां बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज स्थान के अंदर ही रहनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को लेकर कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिनकी पालना होनी चाहिए। ये कहना है, हमने तो यहाँ तक कहा है कि लाउडस्पीकर्स बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि आज लाउडस्पीकर्स का कोई जमाना ही नहीं रहा। अब तो साउंड सिस्टम वो है जो आपने जहाँ इंस्टॉल करे विद इन दी प्रीमिसेस उसकी आवाज आई, और लाउडस्पीकर अगर आपने कभी यूज़ करने हैं तो उसको सिर्फ पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़। और हमने कहा है कि जितने ये साइलेंट जोन्स हैं सरकार की अपनी रेगुलेशंस के अंडर, उनमें नॉइज़ का लॉ स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होना चाहिए। और हमने अकाल तख्त के रेजोल्यूशंस SGPC की चिट्ठियाँ लगा के कहा है कि उन्होंने खुद गुरुद्वारों को बार बार ये कहा है कि आसपास रहते लोगों को, बच्चों के एग्जाम्स के टाइम, किसी बीमार को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप जो भी प्रेयर्स करें, जो भी गुरबानी करें, जो भी पाठ करें, वो आपके प्रेमिसेस के अंदर ही रहना चाहिए। तो हमने लॉ भी कोर्ट को दिया है, कोर्ट ने वो सारा देखते हुए नोटिस इशू करा है। इस वक्त हमने सिर्फ पंजाब सरकार को पार्टी बनाया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोर्ट को लगे कि ये सेम मुद्दा कोर्ट उसको एक्सपैंड करे, क्योंकि हमारे पास जो थे वो हुक्मनामे थे अकाल तख्त साहब के, हमारे पास चिट्ठियाँ थी SGPC की, हमारे पास काम सारा किया हुआ था पंजाब पोल्यूशन बोर्ड का, प्लस सेंटर के एक्ट्स वगैरह, तो शायद पंजाब को तो आज नोटिस हो गया। तो जैसे ये पंजाब पे एप्लीकेबल होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए हरियाणा पे, यूटी पे या इवन पैन इंडिया पे इसको लागू करने में। एडवोकेट रीता कोहली ने बताया कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पूरे पंजाब में एक सर्वे करवाया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि धार्मिक संस्थानों, खास करके गुरुद्वारों में स्पीकर की आवाज के कारण लोगों को सेहत से संबंधित काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 45 dB से ज्यादा आवाज किसी भी स्पीकर की नहीं होनी चाहिए। रीता कोहली ने यह भी बताया कि इस मामले में SGPC और अकाल तख्त साहिब पहले ही सभी गुरुद्वारों को कई बार पत्र लिखकर ये अपील कर चुके हैं कि स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थान के अंदर तक ही सीमित हो। यह कानून सिर्फ गुरुद्वारों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थानों पर लागू है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जजमेंट्स में कहा है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर आपने प्ले करना है आपको परमिशन लेनी है। एक्चुअली उस परमिशन का मतलब ये होता है कि आप एक सर्टन लेवल तक का नॉइज बजा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हो ये रहा है कि इन द गार्ब ऑफ दैट परमिशन, हम एक परमिशन लेके हमें लगता है हम जितना मर्जी ब्लेरिंग म्यूजिक बजाएं, जो मर्जी बजाएं, तो वो कहीं भी परमिसिबल नहीं है। अंडर द लॉ एंड द रूल्स एक लेवल डिफाइंड है कि आप सुबह 6 से शाम के 10 बजे तक किस लेवल तक का आप बजा सकते हैं, और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कैसा होना चाहिए। तो जो पोल्यूशन बोर्ड ने चेक किया, उन्होंने ये कहा कि अगर सुबह 6 बजे के आसपास अगर परमिसिबल लिमिट जो भी 45 dB है, और यहाँ जब चेक किया गया तो हर जगह वो मच बियॉन्ड द कंट्रोल्ड जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा पाया गया। तो उन्होंने भी अपना डाटा लिखा है, उन्होंने सबको लिखा है। आई थिंक उन्होंने पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टडी करके उसका पूरा डाटा बनाया है, और हमारे पास वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग थी, हमने वो भी कोर्ट के सामने पेश की। जो 2002 के नॉइज रेगुलेशंस हैं उसमें ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर साइलेंट जोन्स। इस वक्त हमने कहा कोर्ट को, यस गुरुद्वारों के लिए इसलिए है क्योंकि हमारे पास चिट्ठियाँ वो थी, बट कोर्ट इसका जब देगी फैसला तो वो फैसला सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स पे लागू होगा, और ये सिर्फ गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने ये कहा है कि गुरुद्वारों ने प्रोएक्टिवली खुद ही कहा है कि ये कम होना चाहिए। तो गुरुद्वारों ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है,
मंदिरों, मस्जिदों और बाकी सबको ये लेने की जरूरत है अभी। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सांझ टीवी, और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी, www.sanj.tv पर भी जा सकते हैं। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले, बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।